नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि योगी सरकार की नीति और नियत दोनों पर ही शक और सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून उस वक्त ला रही है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को सिर्फ कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। बता दें, मायावती को ये कानून चुनावी स्वार्थ लग रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा है नया बिल, इसके गुणदोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नियत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो ये काम सरकार को तभी शुरू कर देना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी थी और फिर इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती तो अब यहाँ विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे। यूपी व देश की जनसंख्या को जागरूक, शिक्षित व रोजगार युक्त बनाकर उसे देश की शक्ति व सम्मान में बदलने में विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही जोर जबरदस्ती व अधिकतर परिवारों को दंडित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है, जो जनता की नजर में घोर अनुचित है। मायावती के मुताबिक जब प्रदेश में योगी सरकार बनी थी तब जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया, अब जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं तब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना क्या ये चुनावी स्वार्थ नहीं लगता? अलग अलग नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनसंख्या आए दिन बढ़ते जा रही है, इस बात को लेकर खुद जनता को सोचना चाहिए कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है ये आने वाले समय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना अति आवश्यक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।